हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आपने हिंदी पढ़नी और लिखनी थोड़ी थोड़ी सीखी है। हिंदी में जो स्वर होते हैं 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। अभी तक हम कौन कौन से स्वर पढ़ चुके हैं? देखो, एक स्वर हमने पढ़ा था उ, पढ़ा था ना, और एक हमने पढ़ा है उ। साउंड में फर्क है, ये है उ और ये है उ। हम ये दोनों स्वर पढ़ चुके हैं और एक तीसरा स्वर और पढ़ा था अ, ये भी हम पढ़ चुके हैं अ। तीन स्वर हम पढ़ चुके हैं, आज हम चौथा स्वर यानी फोर्थ पढ़ेंगे आ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? फोर्थ नंबर का। कितने होते हैं टोटल? 11 होते हैं ना, 11। तो हम तीन, 1 2 3, ओ ओ आ और आ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लगभग क्या कहते हैं बच्चे आ से? क्या बोलते हैं लगभग बच्चे आ से? आम, यही बोलते हैं ना। देखो मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ। आ से क्या बोलते हो? आम। और आ से क्या बोलते हो आप? जल्द आलू। मैंने लिख भी दिया है, देखो। आ से आम, आ से आलू और आ से आग। केवल आ से आम ही नहीं होता है, आ से क्या बताया मैंने, आग भी हो सकती है, आ से आलू भी हो सकता है। आप ये राइमिंग से पढ़ते हो ना, आ से आम फलों का राजा, इसको खाओ ताजा ताजा, ऐसे याद हो जाता है जल्दी जल्दी। और मुझे कोई बताएगा आ से? देखो, आ से आदमी भी बनता है। आ से क्या बनता है? आदमी भी बन सकता है। और आ से आकाश, ये देखो, आ से आकाश भी बन सकता है। आ से इंग्लिश में जिसको आप बोलते हो ना एट, उसको हिंदी में कहते हैं आठ, तो आ से आठ भी बन सकता है। और आ से ही देखो बहुत बच्चों के नाम हो सकते हैं, जैसे आरव, आधार, आयुषी, आरती। आपको बच्चों, आपको ये सब याद नहीं करना है, आपको सिंपल ये देखना है कि जब एक ऊपर सेमी सर्कल होता है, एक नीचे सेमी सर्कल को थोड़ा हम ऐसे करते हैं और एक वन बनाते हैं, तब हम बीच में ऐसे गोलाई में एक, ये देखो मैंने बनाया हुआ। आपको सिंपल ये पहचान करनी है कि ये आ है। आ से तो बहुत चीज बनेगी, आम, आग, आलू, आदमी, आकाश, कितनी चीजें बना लो आ से। देखो मैंने अभी आपको पिक्चर्स में भी दिखाया है, बहुत सारी चीजें। एक तो आप राइमिंग से जरूर याद करना, आपकी राइमिंग मैं रिपीट करती हूँ बच्चे। आ से आम फलों का राजा, इसको खाओ ताजा ताजा। ठीक है, अभी हमने इसकी क्या करी है? पहचान। किसकी पहचान करी है? आपकी। अब मैं आपको इसको कैसे लिखते हैं बताती हूँ, ध्यान से देखिए। पहले आपने सीखा था उ, दो सेमी सर्कल को ऊपर करके लेके गए थे। फिर आपने उ ये सीखा, फिर आपने सीखा अ, यही सीखा था ना। ये देखो क्या हो जाएगी, जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप पहले यहां से शुरू करेंगे, लेकिन अभी आप क्या हो, छोटे हो ना, तो आपको पहले वन बनाना है, वन बना के फिर करना है। बच्चे जो अनार होता है ना, उसके ऊपर ये वाली लाइन नहीं होती, क्योंकि अगर ये लाइन होगी तो गलत हो जाएगा। बस यहां पर लाइन होनी चाहिए वन के ऊपर, यानी स्टैंडिंग लाइन के ऊपर, यहां नहीं होनी चाहिए। अगर ये लाइन पूरी होगी तो आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। और आज हम सीख रहे हैं, क्या सीखेंगे? आ से आम ही बोलोगे ना सारे, आ से आम नहीं सीखेंगे, आ से आग, आम, आलू, कुछ भी हो सकता है। हम ये सीखेंगे कि ये कैसे बनता है, क्या? आ देखिए, ऐसे एक आपने सेमी सर्कल बनाया, समझ में आया आपको? क्या बनाया? सेमी सर्कल, उसके नीचे एक और सेमी सर्कल बन गया। लेकिन हम सुंदर दिखे, हमारा आ सुंदर दिखे, इसलिए हम इसको ऊपर कर देते हैं। फिर से एक सेमी सर्कल ऊपर, एक सेमी सर्कल नीचे और इसको ऊपर। ध्यान से देखो, एक सेमी सर्कल ऊपर, एक सेमी सर्कल नीचे, और सुंदर दिखे उस सेमी सर्कल को ऊपर। फिर क्या बनाना है बीच में? नो, पहले आपको वन बनाना है,
जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती तब तक आप पहले ये नहीं बनाएंगे, और ये वन बनाते ही आपको यहाँ से रब करना है। ओके स्टूडेंट, और फिर ऐसे देखो गोलाई में, अगर आपने सीधी लाइन खींची तब भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। मार्क्स कटे ये आपको भी मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, इसके लिए आपको गोलाई में और फिर एक वन और लगा दो। सो सिंपल, क्या बन गया? आसान है ना? क्या बन गया? आ आम, आ आग, आलू। बहुत सॉरी, बस आपको जस्ट पहचान करनी है, एक सेमी सर्कल ऊपर एक सेमी सर्कल नीचे, वन बनाओ ऐसे करो और ऐसे। एक बात ध्यान से सुनो बच्चे, ये देखो कोई भी अक्षर मैंने लाइन को टच नहीं किया, आपको छूना नहीं है लाइन को, कोई भी अक्षर लाइन को टच नहीं करना, क्योंकि बच्चे आप लाइन को टच करके लिखते हैं शुरू में सभी, फिर आपकी राइटिंग जो है बड़ी बड़ी बन जाती है, फिर बहुत टाइम लगेगा आपको उसको शॉर्ट करने का। तो स्टार्टिंग से ही क्यों ना प्रैक्टिस की जाए कि आपको लाइन से टच नहीं करना है ना। सबको आ गया होगा ना? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।